तो गाइज ये पूरी सिंगापुर बर्ड पार्क की हिस्ट्री है कि यहाँ पे अभी चार अट्रैक्शंस हो गए। और काफ़ी चीप और इफ़िशेंट वे है, जैसे कि $1 में शटल बस का टिकट आ जाता है। यहाँ पर आगे भाई काट मत। तोते ने जो चोंच मारी है थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। Hey everyone, welcome back to the channel. कैसी है पब्लिक? तो गाइज आज हम लोग आए हैं सिंगापुर के मंडाई बर्ड पैराडाइज में। तो गाइज ये बर्ड पार्क है, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, बर्ड पार्क देखने वाले हैं, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाते हैं इसका। तो गाइज अगर आप जुरोंग बर्ड पार्क जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे मत जाना, क्योंकि जुरोंग बर्ड पार्क बंद हो चुका है। और सिंगापुर ने अभी क्या किया है, वो जो जुरोंग का बर्ड पार्क था, जो जुरोंग के और सिंगापुर के वेस्ट में था, वो इन्होंने अभी मूव किया है मंडाई वाइल्ड लाइफ रिज़र्व में। उसका एक रीज़न ऐसा भी है कि मंडाई वाइल्ड लाइफ रिज़र्व में दूसरे भी अट्रैक्शन है, जैसे कि सिंगापुर जू हो गया, रिवर वंडर्स है, फिर नाइट सफारी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जो बर्ड पार्क वेस्ट साइड में था उसको लेके आके यहाँ पे नॉर्थ साइड में डाल दिया है, जहाँ पे सारे अट्रैक्शन है जो मैंने अभी बताए थे। ठीक है, तो गाइज़ ये पूरी सिंगापुर बर्ड पार्क की हिस्ट्री है, जहाँ से इन लोग ने कैसे चालू किया, विच ईयर इट स्टार्टेड। सो यू कैन सी हियर इट स्टार्टेड इन 1984। उसके बाद सारे डिटेल्स इन लोग ने यहाँ पे दिए हुए हैं, कभी कभी क्या क्या ऑनबोर्डिंग हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काफ़ी लॉन्ग जर्नी है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है आपको। फिर इसके साथ में अभी क्या हुआ है, फाइनली इसका नाम चेंज किया हुआ है, और आप देखते हो तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि इसको अभी बर्ड पैराडाइज बोलते हैं, जो लास्ट मंथ ही इनॉग्रेशन हुआ है इसका। काफ़ी सुंदर है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस प्लान ऐसा है कि हम लोग को अभी एनुअल मेंबरशिप पास लेना है। इसका रीज़न यह है कि हम लोग सिंगापुर में ही रहते हैं, तो एनुअल मेंबरशिप लेने का मतलब भी बनता है। और सेकंड ऐसा है कि यहाँ पे अभी चार अट्रैक्शंस हो गए, जैसे कि सिंगापुर जू है, फिर रिवर वंडर्स है, और नाइट सफारी, और उसके साथ साथ बर्ड पार्क भी है। तो प्लान ऐसा है कि चारों अट्रैक्शन का एक मेंबरशिप ले लेते हैं, तो हमें हमेशा टिकट नहीं निकालना पड़ेगा। और दूसरा बात आपके लिए ऐसा है कि अगर आपको एनुअल मेंबरशिप नहीं चाहिए, आप अगर सिंगापुर में विजिटर हो, तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो कि ऑनलाइन मंडा रिज़र्व के साइट पे जाके टिकट निकाल लो, या तो फिर kluk.com पे जाके भी टिकट निकाल सकते हो। ठीक है, तो गाइज अभी हो गई है एंट्री अंदर। थोड़ा मेंबरशिप लेने के लिए टाइम लग गया, बट इट्स ओके। मेरा वही सजेशन है वंस अगेन कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से ही अपना टिकट एडवांस में निकाल लेना। हम लोग का तो मेंबरशिप था करके थोड़ा टाइम लग गया, अगर आप एडवांस में ही टिकट लेके आते हो ऑनलाइन बुक करके, तो वो इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। गाइज ये बर्ड पैराडाइज या मंडाई रिज़र्व आने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप आ सकते हो बाय शटल बस, जो मंडाई रिज़र्व की शटल बस है। तो आपको खातिब MRT आना पड़ता है, खातिब MRT से आपको फिर वो शटल बस मिल जाएगी, और काफ़ी चीप और इफ़िशेंट वे है, जैसे कि $1 में शटल बस का टिकट आ जाता है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ट्रेन पकड़नी है, मेट्रो ट्रेन, और खातिब MRT स्टेशन पहुँचना है, जो नॉर्थ साउथ लाइन पे है, या तो उसको रेड लाइन भी बोलते हैं। तो वो MRT पे आप चले जाओ और वहाँ से शटल बस पकड़ो। एवरी 10 मिनट्स में एक शटल बस आती है, और जैसे मैंने बोला कि $1 में आप यहाँ पे आ जाओगे। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस या तो टैक्सी, टैक्सी थोड़ी महंगी हो जाएगी, तो आपका डिसीजन है, आप देखो कैसे आपको कन्वीनियंट पड़े और मैनेज करके यहाँ पर आ जाओ।
और भाई इसमें एंट्री मार के थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फुल ऑन एयरकॉन है। बाहर तो काफ़ी धूप है लेकिन यहाँ पे एयरकॉन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अभी पेंगुइन को करके बोलते हैं ये जगह को, लेकिन पेंगुइन तो कहीं दिख ही नहीं रहे, शायद अंदर होंगे। और भाई फाइनली पेंगुइन तो दिख गए। जब हम लोग नीचे से एंटर करे थे तो पूरे टैंक खाली थे, हम लोग को लग गया कि एक भी पेंगुइन इसके अंदर है नहीं, लेकिन अभी तो पेंगुइन दिख रहे हैं। ये बस यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं। अभी सिर्फ एक जन ने खुद ही मारी है, पता नहीं, मारो यार, जम पानी में, मारो मारो, अरे मार मार, क्या कर रहा है यार, एक बार जम मार दे भाई। बस लेकिन एक ही काम करे, यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ घूमे जा रहे हैं। कार्डियो का सेशन चालू है शायद। बहुत क्यूट है यार इन लोग, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, अभी ऑस्ट्रेलियन आउटबैक देखने आए हैं, देखते हैं क्या दिखता है यहाँ पे। काफी लंबा ट्रेल लग रहा है तो ट्रेल पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये क्या चीज है यार, पता ही नहीं चल रहा है कौन से बर्ड्स है यहाँ पे। काफी सुंदर है यार, ब्यूटीफुल बर्ड है। ये अपने तोते है, पैरट्स। ये दिख गया भाई, ये दिख गया, ये लाल वाला देखो क्या सुंदर है, ब्यूटीफुल है यार। ये क्या कर रहा है यहाँ पे यार, ओ भाई हाउ आर यू। तोते जी यहाँ पर आ गए भाई, काट मत काट मत, आराम से आराम से काट मत। तो अभी हम लोग यहाँ पे कहीं पे तो है, यू आर हियर, तो अभी चलते ये मिस्टीरियस पापाओं क्या है उसको भी देख लेते। चलो ये देखो, तोते इसके हाथ पे बैठे हुए हैं, देखो इसके हाथ पे आके बैठे हुए हैं। काफ़ी फ्रेंडली लगते हैं। एक ने तो हमें अटैक कर लिया था अभी पीछे, लाल वाले ने, लेकिन ये थोड़े फ्रेंडली लग रहे हैं। देखो ओ काटना मत भाई। आ आ डोंट लाइक।
ये देखो गाइस, तोते ने जो चोंच मारी है थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, उसको अभी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा एसी लग रहा है मस्त, गर्मी से तो जान निकल रही है भाई, काफ़ी हॉट वेदर है आज। ये क्या है यहाँ पे इतनी भीड़ किस चीज़ की है? कुछ बच्चे स्क्रीन पे खेल रहे हैं, लेकिन ये रिलैक्सेशन के लिए, अगर आप धूप से अंदर आते हो तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है इधर एयरकॉन के अंदर, एसी के अंदर। तो गाइस ये देखो फ्लेमिंगो, क्या सही लग रहे हैं, मस्त नज़ारा है। गाइस अभी आए हैं ये एमपी थिएटर में, यहाँ पे कुछ शो होने वाला है तो सब पब्लिक बैठी है, तो अभी शो चालू होने का वेट करते हैं, उसके बाद उसको कवर करेंगे। Ha 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 ha!
ओ बात भी कर सकता है तो मुर्गे की आवाज निकाल रहा है। मिमिक्री कर सकते हैं बोल रहा है। वेलकम। तो गाइज अपनी ट्रिप हो गई है फिनिश, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली, इट वॉज क्वाइट फन। अभी वीडियो अब जब आएगा तो आपको मालूम तो पड़ेगा ही, बट वी रियली हैड अ गुड टाइम। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए।